हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप करती हूँ आप सभी अपने घर पे बहुत ज़्यादा खुश और अच्छे होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ एक नई वीडियो जिसके अंदर मैं बताने वाली हूँ एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग के बारे में। जी हाँ, एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग हम कैसे कर सकते हैं फॉर बिगनर्स, एंड बहुत ज़्यादा ईजी होता है यार। जस्ट आप लोगों को कलर्स चाहिए, एक पेपर चाहिए एंड दैट्स इट। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। मैंने एक वाइट शीट ले ली है और आप लोग भी कैसे भी वाइट शीट ले सकते हैं, बट ये ध्यान रखना थोड़ा सा थिक हो वो शीट, जिससे कि हम जो पेंट करें ना वो सी थ्रू ना हो। तो मैं यहाँ पे एक्रिलिक पेंट का यूज़ कर रही हूँ। मैंने ऑरेंज शेड लिया है और मैंने ना पेपर पे ऐसी रफली सर्कल्स ड्रॉ कर लिए थे, तो उनमें से मैं एक सर्कल पर ऑरेंज कलर करने वाली हूँ। आप देख सकते हैं, जस्ट मैं पहले आउटलाइन कर रही हूँ एंड देन उसके बाद मैं इस पर ऑरेंज कलर करूँगी। ओके, जैसे आप देख सकते हैं मैंने ऑरेंज कलर से पूरा का पूरा सर्कल कंप्लीट कर लिया है। अब मैं येलो कलर ले रही हूँ, सेम एक्रेलिक पेंट ले रही हूँ, और ये आपको कहीं पे भी अवेलेबल होंगे, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, कहीं पे भी, इवन आसपास स्टेशनरी पे भी। इफ़ यू वांट मैं लिंक भी कमेंट कर दूँगी या फिर डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी। तो मैं सेम ऐसे ही रैंडमली इस पर कलर कर रही हूँ जो मैंने सेमी सर्कल काइंड ऑफ बनाया हुआ है। ओके, ये भी रेडी हो चुका है। देन क्या मैं करूँगी, मैं एक स्किन कलर या ऑरेंज से थोड़ा लाइट, तो मैंने क्या करा है ऑरेंज के अंदर वाइट मिक्स कर दिया है और ये थोड़ा सा लाइट शेड बन गया है, पेस्टल कलर बन गया है, अच्छा सा लग रहा है। और मैंने रैंडमली ऐसे कोई पैटर्न ड्रॉ करा था तो मैं उस पर पूरा कलर करूँगी। भी कलर अब डन हो चुका है। अब मैं एक ब्लू कलर का शेड लूँगी। एक्चुअली मैंने क्या किया है, हम पेस्टल कलर्स यूज़ कर रहे हैं एज यू नो, तो मैंने डार्क शेड के अंदर वाइट मिक्स कर दिया, जैसे मैंने स्किन कलर बनाया था सेम एज मैंने ब्लू कलर के साथ किया है। और उसको मैं जो भी लेफ्ट ओवर पेज होगा एक सेमी सर्कल छोड़ के मैं पूरा का पूरा उसको कवर कर दूँगी। देन जो मैंने सेम ऑरेंज शेड लिया था ना, उससे मैं रैंडमली, आप देख सकते हैं मैंने पेंसिल से कोई भी स्केच नहीं बनाया है पहले, मैं रैंडमली ऐसे लीव्स बना रही हूँ ऑरेंज कलर से, क्योंकि इसके ऊपर थोड़ा डार्क कलर अच्छा लगेगा स्किन कलर के ऊपर। तो यस, मैं रैंडमली ऐसे लीव्स बनाऊँगी। जैसे मैंने ऑरेंज लीव्स बना ली हैं, वो कंप्लीट हो चुकी हैं, ऐसी सेम मैं येलो सेमी सर्कल पे करने वाली हूँ। मैंने रैंडमली ब्लैक कलर चूज़ किया जस्ट बिकॉज वो डार्क है एंड येलो कलर लाइट है, तो मैं रैंडमली ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ लीव्स, देखिएगा।
बट मैं इस बार, जैसे मैंने ऑरेंज के अंदर पूरा कलर किया था, मैं इस बार इस पर पूरा कलर नहीं करने वाली हूँ। मैं लीव्स के अंदर ऐसे रैंडमली लाइंस ड्रॉ करूँगी जिससे कि ये और अच्छा लगे, क्योंकि ब्लैक ऑलरेडी डार्क कलर है यार, तो मुझे नहीं लगता पूरा करके वो अच्छा सा लुक दे पाएगा। और एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग का यही है, यू जस्ट नीड टू ड्रॉ रैंडम फ्लावर्स, रैंडम लीव और कोई भी पैटर्न, और ये अच्छा लगने लगता है लिटरली। अब देखो मैं पूरे लीव्स पे ऐसे ही लाइंस ड्रॉ करूँगी। मेरा ब्लैक लीव्स वाला पार्ट डन है। अब मैंने ब्लू साइड क्या किया है, मैंने ना पेंसिल से, आपको पता है अगर हम एक्रीलिक पेंट यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो हम कैनवास पे यूज़ कर रहे हैं, चाहे हम पेपर पे यूज़ कर रहे हैं, उस पर पेंसिल इतने सही से नहीं चलता है, तो मैंने बहुत लाइट हाथ से ऐसी रैंडमली फ्लावर एक ड्रॉ कर लिया है और उस पर अब मैं ब्लैक पेंट से आउटलाइन कर रही हूँ। तो या मैं ब्लैक कलर से मैं एक फ्लावर बनाने वाली हूँ जो कि बहुत ज़्यादा रैंडम है, मैंने ऐसे कहीं देखा नहीं, ना पिंटरेस्ट पे ना कहीं पे भी, मैंने जस्ट ऐसे ही ड्रॉ कर लिया है और ये भी रेडी होने वाला है। ओके, तो मेरा फ्लावर रेडी हो चुका है। जैसे मैंने लीव्स पे अंदर ऐसे लाइंस ड्रॉ करी थी, मैं ऐसी सेम फ्लावर पे करना चाहती हूँ और मैंने फ्लावर पे भी रैंडमली ऐसे लाइंस ड्रॉ करना शुरू कर दिया है और मैं ऐसे इससे पूरा फ्लावर कवर कर दूँगी। इट्स डन। अब मैं ग्रीन कलर, ऑब्वियसली ग्रीन है तो लीव्स ही होगी, तो या तो मैं ग्रीन कलर का यूज़ करके लीव्स बना रही हूँ। मैंने साइड में ऐसी ब्लैक कलर से लीव के लिए ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया था आउटलाइन और मैं उस पर पेंट कर रही हूँ और मैं रैंडमली ऐसे यहाँ पे भी फ्लावर के आसपास भी लीव ड्रॉ करूँगी। उसके लिए मैंने कोई पेंसिल से स्केच नहीं बनाया, जैसे मैंने ऑरेंज कलर से और ब्लैक कलर से लीव बनाया है, वैसे सेम मैं ग्रीन कलर का यूज़ करके लीव्स ड्रॉ करूँगी। जैसे मैंने फ्लावर के राइट साइड, आप देख सकते हैं नीचे की साइड, रैंडम लीव्स ग्रीन कलर से ड्रॉ किया है, वैसे सेम मैं फ्लावर के ऊपर ड्रॉ करूँगी और उनमें पेंट करूँगी ऑरेंज कलर की लीव्स की तरह। मैं लाइंस ड्रॉ नहीं करूँगी, मैं पूरा प्रॉपर कलर करूँगी। और बातों ही बातों में रेडी हो चुकी है हमारी पेंटिंग। वाओ, जस्ट लुक एट दिस, कितना ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। मैंने ऑरेंज और ब्लैक कलर का यूज़ करके ऐसे रैंडमली इस पर डॉट्स बना दिए हैं, आप ये कहीं पे भी लगा सकते हैं, इसे फ्रेम करवा सकते हैं। इट्स लुकिंग सो प्रिटी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक करना और ढेर सारा प्यार देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।